So this is Firebolt Solus, a newly launched luxury Bluetooth quality smartwatch from Firebolt. आपको देख के लग रहा होगा थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, बट ऐसा है नहीं. इट्स कॉस्टली मी ओनली 1999 रुपीज. काफ़ी प्रीमियम लुकिंग डिज़ाइन है, पूरा मेटालिक बिल्ड है. ऊपर का बॉडी जो है पूरा फुल मेटालिक है, एंड जो साइड का स्ट्रैप भी है ये भी मेटालिक है. साइड में तीन तीन बटन दिया गया है, एंड ये सारे बटन फंक्शनल है. पहले बटन से आप स्क्रीन को टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हो. सेकेंड वाला बटन से आप स्क्रॉल कर सकते हो, वॉच फेसेस वगैरह चेंज कर सकते हो. थर्ड वाले बटन से आप वर्कआउट मोड पर जा सकते हो डायरेक्टली. ये वाला स्मार्ट वॉच कनेक्ट होता है दा फिट एप्लीकेशन से. अपार्ट फ्रॉम द ब्लूटूथ कॉलिंग, काफ़ी सारे फिटनेस रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर दिया गया है. लाइक इससे आप हार्ट रेट, SPO2, स्लीप ट्रैकिंग कर सकते हो, स्टेप काउंट भी करता है. इसके अलावा काफ़ी सारे वर्कआउट मोड है. आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो उसका डिटेल डेटा ट्रैक कर सकते हो. लाइक कितने कैलोरीज आपने बर्न किए हो, कितने स्टेप चले हो, कितने डिस्टेंस ट्रैवल किए हो, ये सारे का डेटा दिखाता है. इसके अलावा यहाँ से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो. रिस्ट में काफ़ी कूल दिखता है, एंड इसे आप किसी भी ओकेजन में पहन के जा सकते हो. बट थोड़ा सा आपको एडजस्ट कराना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ कोई एडजस्टमेंट टूल नहीं देता. वैसे एडजस्टमेंट वाले टूल ऑनलाइन मिल जाएगा, जब चाहो तो परचेस कर सकते हो. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. तो अभी मैं आपको क्विकली सारे फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ. ओके, सबसे पहले आता है एक्टिविटी, जहाँ से आप कितने स्टेप चले हो, कितने कैलोरीज आपने बर्न किए हो, ये सारे का डेटा यहाँ से देख सकते हो. इसके बाद स्लीप आता है, स्लीप से आप स्लीप डेटा ट्रैक कर सकते हो, कितने घंटे आप सोए हो. हार्ट रेट वाले सेक्शन से हार्ट रेट मेजर कर सकते हो. इसके अलावा फ़ोन कॉल का एक सेक्शन है, जहाँ से आप रिसेंट जिसे कॉल किए हो वो देख सकते हो. डायल पैड भी है, किसी को भी आप यहाँ से डायल करके कॉल कर सकते हो. एनीवे, यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स वाले भी एक ऑप्शन है, जहाँ से आप कोई भी फेवरेट कॉन्टैक्ट सेव करके रख सकते हो. एक्सरसाइज वाले सेक्शन में आपको काफ़ी सारे वर्कआउट मोड दिख जाएगा. आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो यहाँ से आप डिटेल डेटा ट्रैक कर सकते हो. इसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज रिकॉर्ड भी है. यहाँ पर आप अगर कोई भी वर्कआउट किए हो उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा. इसके अलावा SPO2 आप यहाँ से मेज़र कर सकते हो. वेदर वाले सेक्शन से आप प्रेजेंट वेदर देख सकते हो. इसके अलावा नेक्स्ट 6 डेज का भी वेदर दिखाता है. मैसेज वाले सेक्शन से मैसेजेस वगैरह रीड कर सकते हो. व्हाट्सएप फेसबुक का मैसेजेस आता है यहाँ पर. शटर वाले ऑप्शन से आप रिमोटली फोटो कैप्चर कर सकते हो, अपने फ़ोन के कैमरा का शटर कर सकते हो. प्लेयर वाला ऑप्शन है, जहाँ से आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो. यहाँ से प्ले पॉज कर सकते हो, प्रीवियस ट्रैक्स, नेक्स्ट ट्रैक प्ले कर सकते हो, फ़ोन के म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हो. एंड फ़ोन के म्यूज़िक आपके वॉच में भी प्ले होता है. इट्स लाइक अ ब्लूटूथ स्पीकर. यहाँ से साउंड को, वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करने का भी ऑप्शन दिया गया है. एंड इसके अलावा यहाँ से रिलैक्सेशन मोड है, जो कि है ब्रीदिंग एक्सरसाइज. एक इनहेल एक्सहेल वाला एक्सरसाइज है, जिसे आप रिलैक्स रह सकते हो. एंड इसके अलावा टाइमर, अलार्म, स्टॉपवॉच का भी ऑप्शन मिलता है. वुमेन्स हेल्थ के लिए साइकिल ट्रैकिंग का भी ऑप्शन मिलता है. AI वॉइस असिस्टेंट का भी ऑप्शन मिलता है. यहाँ से अपने फ़ोन को फाइंड कर सकते हो. एंड मोस्ट यूजफुल इज़ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर का भी ऑप्शन मिल जाता है भाई, यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेटर है. एंड इसके अलावा गेम्स भी दिया है, दो गेम्स है यहाँ पर. आप इजीली टाइम पास कर सकते हो अपने फ्री टाइम में. एंड टच का भी रिस्पॉन्सिव है, सो आप इजीली यहाँ पर गेम खेल सकते हो. नेक्स्ट है सेटिंग. सेटिंग से आप और भी कुछ सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो. लाइक डिस्प्ले से आप ब्राइटनेस वगैरह चेंज कर सकते हो. स्लीप यानी स्क्रीन टाइम आउट को भी आप सेट कर सकते हो. वॉच फेस यहाँ से चेंज कर सकते हो. इसके अलावा यहाँ पर वाइब्रेशन रिंग से आप कंट्रोल कर सकते हो. अगर आपको वाइब्रेशन रिंग नहीं चाहिए तो आप म्यूट में भी डाल सकते हो. इसका भी ऑप्शन दिया गया है. इसके अलावा DND को टर्न ऑन टर्न ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया है. लो पावर मोड का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है. फ़ोन वाले सेक्शन से आप अगर मीडिया ऑडियो यानी फ़ोन का जो साउंड है अगर घड़ी पे आपको नहीं चाहिए तो आप सिंपली से बंद करके रख सकते हो. तो जो म्यूज़िक है आपका फ़ोन में ही प्ले होगा, वॉच में नहीं प्ले होगा. इसके अलावा सिस्टम वाले मेनू से आप पावर ऑफ, रीसेट, रीस्टार्ट कर सकते हो. एंड यहाँ पर एक अबाउट वाले सेक्शन भी है, जहाँ से आप वॉच का इन्फॉर्मेशन देख सकते हो. एंड ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर मिलता है. कंट्रोल सेंटर में और एक चीज़ है, जो कि है ई कार्ड. ऐसे आप QR सेट कर सकते हो, अपना पेमेंट QR सेट कर सकते हो. एंड किसी से इस वाले QR को स्कैन करके आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो. मैंने इंस्टाग्राम का सेट करके रखे. और भी ढेर सारी चीज़ों का आप कर सकते हो. मैक्सिमम 4 QR यहाँ पर एक साथ रख सकते हो. एंड नीचे से ऊपर की तरफ उठाओगे तो मैसेज वगैरह यहाँ से आप रीड कर सकते हो डायरेक्टली. एंड यहाँ से कुछ सारे और शॉर्टकट्स को आप एक्सेस कर सकते हो. इसके अलावा सेंसर एक्यूरेसी, ब्लूटूथ कॉलिंग, ये सारी का डिटेल टेस्टिंग मैंने मेरे फुल वीडियो में कर रखे है. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप जाके जरूर एक बार चेकआउट कर लेना. आपको एक टोटल आइडिया मिल जाएगा इस वाले वॉच के बारे में. वॉच मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. हालांकि ये वाला स्ट्रैप रिमूवेबल नहीं है. आपको अगर रिमूव करना ही है तो आपको व्हाट्सएप से रिमूव करना पड़ेगा. बाकी काफ़ी ड्यूरेबल है. एंड यहाँ पर IP67 का रेटिंग मिलता है. दैट्स इट, इतना ही था इस वाले वीडियो में. अगर अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड फुल वाला वीडियो देख लेना एक बार. मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में.